पालकों को मुआवजा दिलाने। प्रदर्शन के छठवें दिन पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल पहुंचे धरना स्थल पर, सुनी लोगों की समस्या, दिया आश्वासन, हम आपके साथ हैं। कहा सरकार जब अपनी मदद करने वालों की नहीं सुनती तो किसकी सुनेगी। सुअर पशुपालकों को मुआवजा दिलाए जाने, संयुक्त किसान मोर्चे का धरना जारी। धरना स्थल पर पहुंचे पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल। धरने स्थल पर ही संयुक्त किसान मोर्चे ने बसोर समाज के लोगों के लिए बांस का इंतजाम करने का भी किया निश्चय। धरना और रोजगार अब यहां पर साथ साथ चलेगा, जिसकी तैयारी संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने बसोर समाज के लोगों की सुनी समस्या, ऊपर बात करने का दिया आश्वासन, पूर्व मंत्री का साफ तौर से कहना था। बसोर समाज के लोग का व्यवसाय केवल और केवल सुअर पशुपालन और बांस के बर्तन बनाने का है। उसके बावजूद पिछले दिनों पहले अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के चलते उन्होंने अपनी जानवरों को मारने में सरकार की मदद की, यह जानते हुए भी कि उनका इससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा। उनका व्यवसाय केवल और केवल सुअर पशुपालन और बांस के बर्तन करने का है, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने जानवरों को मारने में सरकार की मदद की। सरकार ने भी उनको आश्वस्त किया था कि उनको मुआवजा दिया जाएगा, वह भी उनके जानवरों के वेट के हिसाब से, लेकिन अब सरकार अपने वादे से फिर गई है। इन गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं। जब सरकार अपनी मदद करने वालों की नहीं सुन रही तो फिर किसकी सुनेगी। हम आपको बता दें, सुअर पशुपालकों का धरना प्रदर्शन पिछले कई दिनों से जारी है। संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले अब संयुक्त किसान मोर्चे ने तय किया है, हम पशु और समाज के लोगों को बांस उपलब्ध कराएंगे, जिससे वह यहीं धरना स्थल पर बैठकर अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर सकें। लेकिन हम तब तक यहां से नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। किस तरह से सरकार के इशारे पे बसोर समाज के लोगों ने सरकार को लोगों की जनजीवन बचाने के लिए, लंपी वायरस से बचने के लिए अपने सारे जो सुअर है उनको नष्ट करने में सरकार का सहयोग किया, और जिला प्रशासन द्वारा जिस तरह से उनको आश्वस्त किया गया था कि हम सुअरों का उचित मुआवजा देंगे, और यहाँ तक कि वेट के हिसाब से बोला था कि हम उचित मुआवजा देंगे, पर जिला प्रशासन द्वारा जिस तरह से गुमराह करके बिना लंपी वायरस के भी बहुत सारे सुअरों को यहाँ पे पूरी तरह से नष्ट करने का काम किया है। आज इनका जीवन यापन पूरी तरह से उसी पे निर्भर था और पूरी तरह से इनको बर्बाद करने का काम किया है, और जिला प्रशासन तो इस तरह से इतना निरंकुश है। इतने दिन से गरीब इस तरह से भीगते बारिश में बैठे हुए हैं और जिला प्रशासन सो रहा है, ये सरकार की अनदेखी है, और कहीं न कहीं इसका खामियाजा इस सरकार को भोगना पड़ेगा। मेरा अभी कलेक्टर को लगाया तो उन्होंने उठाया नहीं है, हम उनसे भी बात करेंगे। राज्य जो मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं और प्रमुख सचिव हैं, इनसे भी बात करेंगे कि लंपी वायरस की वजह से जो भी बसूर समाज के सुअरों का जो नुकसान हुआ है, जो सरकार के द्वारा जो निर्देश का पालन करने का जो काम किए हैं, उनको उचित मुआवजा जल्द से जल्द प्रदान कराएं,